एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्रश, और मैंने थोड़ा सा जो है फेस वॉश यूज किया है, जो पॉन्ड्स का होता है चारकोल वाला। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस तरीके के फेस वॉश बहुत कम यूज़ करती हूँ, बिल्कुल ना के बराबर। ज़्यादातर मैं DIY फेस वॉश यूज करती हूँ, जो मैं बना के रखती हूँ घर पर ही। तो आज मैंने इसको दूसरी बार यूज किया है। ये जानवी अपने लिए लेकर आई थी, तो आज मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी थी तो मैंने इसको यूज कर लिया है। और अभी जाऊंगी किचन में, किचन के भी थोड़े बहुत काम करने हैं, चाय वगैरह बनानी है तो वो बनाऊंगी जाके। बर्तन धुल के रख कर आई थी तो वो मुझे जो है ना लगाने भी हैं। तो बस ब्रश वगैरह हो चुका है, और आज मैंने जो किचन के काम होते हैं, बर्तन वगैरह, वो मैंने सुबह किए थे, शाम में मैंने नहीं धोए थे। कल मैंने छत की सफाई करी थी तो थोड़ा सा मैं थक गई थी, तो इस वजह से मैंने खाना पीना तो बनाया था रात में, लेकिन फिर बर्तन छोड़ दिए थे कि चलो मैं शाम में करूँगी, सॉरी सुबह करूँगी। और थक जाओ तो थोड़ा सा मन भी नहीं होता है, और आज सैटरडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आराम आराम से कर लूँगी, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बच्चों का स्कूल नहीं है। तो यहाँ पर मैं पानी भरने लगी थी क्योंकि पानी भरने वाला काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, गर्मियाँ हैं, पूरा दिन हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। और मैं पीने के लिए जो डायरेक्ट पानी आता है मोटर का, वो भरती हूँ, साथ में खाना पीना बनाने के लिए भी बाल्टी भर के रख लेती हूँ। और टंकी का पानी जो है सिर्फ बर्तन धोने के लिए यूज किया जाता है, कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो यहाँ पर दूध भी आ चुका है, मैं दूध लेने गई थी, बाल्टी मैंने लगा दी थी जो कि भर चुकी है, तो इसको भी मैं उठा कर रख दूँगी। और बस मुझे थोड़ी सी चाय बनानी है, एक बार मैं बना चुकी हूँ सुबह, लेकिन फिर से जो है ना दोबारा, दो बार तो बनती ही बनती है, तो दूसरी बार बनाऊँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 ही हैं। मैं जा रही हूँ दूध गर्म करने, बर्तन वगैरह धो लिए थे, सुबह नहीं धोए थे मैंने, तो अभी जो है ना सुबह, मतलब कल शाम में नहीं धोए थे, मैं क्या बोल रही हूँ, शाम में नहीं धोए थे तो सुबह धुले हैं। शाम में जो है ना कल ऊपर छत की साफ़ सफाई करी थी तो फिर थोड़ा सा थक गई थी, उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया था तो बर्तन मैंने छोड़ दिए थे, अभी धोए हैं। और दूध गर्म करने जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी। चाय भी बना ली है मैंने, चाय लेकर आ रही हूँ, मेरी और जानवी की चाय रखी है, चाय पी लूँ फिर आप लोगों से बात करूँ। अभी यहाँ पर चाय पी रही हूँ मैं और जानवी, और चाय के साथ साथ जो हमारी चाय पे चर्चा होती है, मतलब हम माँ बेटी की जो बातें होती हैं, तो वो हो रही थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चाउमीन बॉयल करके रखी है, आज जो है ना चाउमीन बनाऊँगी। दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो इनको सुबह सुबह जो है ना कुछ चाहिए था खाने के लिए, तो वैसे तो ज़्यादातर मैं इन दोनों के लिए ही ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर सबके लिए बना रही हूँ, क्योंकि फिर जो है ना खाना थोड़ा सा देर में बनेगा, तो बीच में मुझे काम भी करने है, घर की साफ़ सफाई करनी है, बर्तन वगैरह धोनी है, तो बस मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट सबके लिए बना दूं, तो थोड़ी थोड़ी सभी लोग खा लेंगे, तो थोड़ा सा रुक के बनाऊंगी खाना, तो उतनी ज़्यादा चिंता नहीं होगी। तो अभी यहाँ पर मेरी जो चाउमीन है वो मतलब लगभग बनने को आई है, बस बन चुकी है। चाउमीन में क्या होता है, सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं पकानी होती हैं, वो जो ना पकी होती हैं, तो यहाँ पर चाउमीन बन चुकी है। अभी बस चाउमीन वगैरह बन चुकी है, बन के खा भी चुके हैं। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा टाइम हमें बनाने में लगता है, उससे कहीं ज़्यादा कम टाइम खाने पीने में लगता है। तो बनाने में, तैयारी करने में तो करीब आधा पौन घंटा लगता है, फिर बनने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो अभी जो ना खाने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, फिनिश हो चुका है, सभी लोग खा चुके हैं, तो बर्तन यहीं पर पड़े थे, इनको लेकर मुझे जाना है किचन में, साफ़ सफाई करनी है, और क्या, बस घर की रूटीन काम तो मुझे वो करने हैं। और आजकल जो है ना मेरी वीडियो नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह है कि फ़ोन, घर का फ़ोन मैंने पहले ही एक वीडियो में बताया कि ख़राब हो चुका है, उसको रिपेयर भी करवाया लेकिन फिर भी वो नहीं बना अच्छे से। उसमें क्या होता है कि जैसे कॉलिंग करो इधर से या फिर उधर से आती है तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है, बाकी फ़ोन तो ठीक ठाक है, चलता है, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आती है, जिसकी वजह से जो है ना यही फ़ोन अब काम में आता है, यूज़ होता है ज़्यादातर। तो मेरी वीडियो नहीं बन रही है, ब्लॉग नहीं बन रही, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं वीडियो बनाऊं और रोज़ बनाऊं, डेली ब्लॉग बनाऊं, लेकिन नहीं बन पा रहे हैं। और नया फ़ोन जो है ना इतनी जल्दी नहीं ले पाएंगे, घर की प्रॉब्लम होती है, हर घर में लगी होती है, और ख़ासकर मिडिल क्लास फैमिली में तो लगी ही रहती हैं प्रॉब्लम, तो नया फ़ोन भी नहीं ले पाएंगे अभी इतनी जल्दी। और
वो फ़ोन अगर मतलब सही तो है, लेकिन उसमें क्या है कि वीडियो भी नहीं बन पा रही है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिम काम करे, सिम अगर नहीं काम करती है तो वीडियो भी बन जाते, लेकिन क्या है उसके फ़ोन का जो है ना कैमरा भी ठीक नहीं है, वीडियो बहुत ही मतलब ख़राब वीडियो बनती है, वरना मैं उससे ही रिकॉर्डिंग कर लेती क्योंकि वीडियो बनाने के लिए तो एक फ़ोन चाहिए ही चाहिए। तो देखती हूँ बीच बीच में मिल जाता है तो उतनी मैं बना लेती हूँ। तो अभी मुझे मिल चुका था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ, कम से कम 4-5 दिन हो रहे हैं वीडियो भी नहीं बन रही है, और सच में बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ लेकिन नहीं बन पा रहे हैं। तो आज सैटरडे है 25 सितंबर, दोनों बच्चे घर पे हैं, छुट्टी है, सैटरडे को छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे मैं जा रही हूँ बर्तन वगैरह धोऊँगी। इससे पहले मशीन में कपड़े भी डाल दिए मैंने, और यहाँ पर लेटा है जैक, ये ऐसे ही लेटता है आधा मैट पे आधा नीचे। तो सुबह सुबह जो है ना ये घूम के बाहर से आता है, फिर ये पूरा दिन लेटा रहता है, बहुत ज़्यादा आलस दिखाता है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, बर्तन वगैरह धोऊँगी, और पूरा सिंक जो है ना भर चुका है सुबह के चाय के हैं। और अभी जो मैक्रोनी ज़्यादा याद आती क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। जानवी जो है ना मैगी और मैक्रोनी एक में बनाती है मिक्स करके, तो वो मुझे ज़्यादा याद आती है क्योंकि चाउमीन में बहुत कम बनाती हूँ। अब की बार मैं 2 पैकेट लाई थी तो बस वही बन रहे थे धीरे धीरे, अभी भी जो है ना आधा पैकेट रखा है। तो बस मैं जाती हूँ फटाफट, लगती हूँ अपने काम पर। तो चलिए इस वाली वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ यहीं पर, क्योंकि फिर जो है ना बीच बीच में फ़ोन जब ये लेकर जाते हैं तो मुझे वीडियो स्टॉप करनी होती है, ट्राईपोर्ड से निकाल कर इनको देना होता है बार बार, तो फिर थोड़ा सा मन ख़राब हो जाता है कि वीडियो बीच में ही बंद करनी पड़ी। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्रेस वगैरह सब ऐसे ही पड़ी, जानवी सुबह जाती है तो प्रेस कर लेती है, कोचिंग जाती है क्योंकि सैटरडे को कोचिंग तो रहती है, तो उसने प्रेस यहीं पर छोड़ दी है। तो चलिए फिर मैं लग जाऊँ अपने काम पर, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में।